I am Abhishek, an architect for 5 years now. I am here to answer and talk about general wires that fly by related to architecture. If you want to know about it, this is the channel to be at. Check out my other videos as well. So, hey Abhishek, what is the most irritating thing that you are facing as an architect? अरे अभिषेक, ये नलका देख ले भाई, तू किचन तो जा ही रहा है, इसमें पानी बड़ा धीमे आ रहा था। तू तो आर्किटेक्ट है, तुझे तो आता ही होगा। अरे अभिषेक, ये सीमेंट के कट्टा कितने का आता है आजकल, और सरिये कितने का आ रहा है, तुझे तो पता ही होगा, तू तो एक आर्किटेक्ट है। अरे भाई, बाथरूम तो जा ही रहा है, WC देख लियो थोड़ा सा, उसमें ना फ्लश ठीक से नहीं हो रहा था। तू तो आर्किटेक्ट है, तुझे तो आता ही होगा। So basically, after graduating college, a junior of mine asked me this question. मतलब नन्हे नन्हे बच्चों के नन्हे नन्हे सवाल। उसने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि भैया, अब आफ्टर ग्रेजुएटिंग आप मेरे को क्या एडवाइस देते हो, कि आपने मतलब आफ्टर ग्रेजुएटिंग और पहले साल में मतलब आपने कौन से तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करी थी, मतलब कि मॉनेटरी इश्यूज आपने फेस करे या अपॉर्चुनिटीज जो थी वो बहुत कम थी ऐसे मार्केट में, तो आपने कौन सी प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा फेस करी और क्या एडवाइस आप मुझे देते हो। तो मेरा जवाब उसको यही था कि भाई, तू कहाँ ये लक्ष्मी माँ के दर्शन की बात कर रहा है, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, उसको देखे तो जवाने हो गए। लेकिन द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरिटेटिंग पार्ट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एन आर्किटेक्चर कॉलेज इज कि ट्राइंग कन्विंसिंग योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीबडी अराउंड यू कि भाई, मैं एक इलेक्ट्रिशियन नहीं हूं, मैं एक प्लम्बर नहीं हूं। सो बेसिकली देर इज अ मिथ अराउंड कि लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन एन आर्किटेक्चरल कॉलेज आर्किटेक्ट्स को ट्रेन करने के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कि उसमें बताया जाता है कि सीमेंट का कट्टा इतने रुपए का होता है, या दीवारों में सीलन होती है तो ये सब चीज़ें लगानी चाहिए, या फ्लश कैसे ठीक करना चाहिए, ये सब वाइवा में होता है। So to burst their bubbles and to disappoint them, it's not in the course. So the basic thing what an architect learns in a college is ki how to play with a space, ki ek given space mein how to fully utilize that, how to exactly play with it as per the requirements of jo cheeze hum bana rahe hain, तो उस चीज़ को कितना फुल्ली हम ऐसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, या किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग को मतलब पूरा बेस्ट 100% दे सकते हैं उस बिल्डिंग में, कि दैट जस्ट टॉक्स टू यू कि एंड सेज कि मतलब वाओ, मतलब क्या बना दिया है। तो दैट्स इट, दैट इज़ व्हाट यू आर टोल्ड इन एन आर्किटेक्चर कॉलेज, नॉट द अदर पार्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और ये सारी चीज़ें, इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल नॉलेज, जो चीज़ बंदा कॉलेज से निकलने के बाद जॉब वॉब में और इन सब चीज़ों में धीरे धीरे इन चीज़ों में एक्सपीरियंस लेता है, एंड इट ऑल गेट्स ऑन हिज टिप्स यूजुअली। बट इस तरीके की चीज़ें कोर्स में नहीं होती,